Welcome back to English class. This is Mamta Bora, your English teacher. Now today we are going to understand a chapter 7, the pronouns. ये आपने lower standards में पढ़ा हुआ ही है, standard first और second में. Now what is pronoun? Pronoun means what? A pronoun is a verb used in place of noun. जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, ये है pronoun. Pronoun means what? जो verb हम noun की जगह पर use कर रहे हैं. And what are nouns? वो भी हमने previous sessions में पढ़ा है. What are nouns? तो नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल सीता इज अ गुड गर्ल. यहाँ पर लिखा है सीता इज अ गुड गर्ल. ये एक सेंटेंस है कि सीता एक अच्छी लड़की है. शी स्टडीज इन क्लास 3. हर फादर इज अ डॉक्टर. द टीचर्स लाइक हर. अभी यहाँ पर अगर समझो मैंने यहाँ पर लिखा है सीता इज अ गुड गर्ल. सीता स्टडीज इन क्लास 3. सीता's फादर इज अ डॉक्टर. द टीचर्स लाइक सीता. मतलब मैं बार बार उसका नाम ले रही हूँ सीता सीता सीता. तो इट सीम्स वेरी बोरिंग. आपको बहुत बोरिंग लगता है एंड सेंटेंस फॉर्मेशन भी कुछ अच्छा नहीं लगता है. तो इसके लिए क्या होता है बार बार हमें सीता यूज ना करना पड़े इसीलिए हम यूज करते हैं वर्ड्स लाइक शी हर. इसको हम कहते हैं प्रोनाउन. क्लियर. नाउ लुक इन द सेकेंड सेंटेंस. शी स्टडीज इन क्लास 3. नाउ शी हम किसके लिए यूज करते हैं फॉर अ गर्ल. शी और हर हम हमेशा किसके लिए यूज करेंगे फॉर अ गर्ल. और बॉयज के लिए क्या यूज करते हैं ही हिम एंड हिज. नाउ सीता इज अ गुड गर्ल. मुझे बार बार सीता नहीं लिखना है सो आई एम यूजिंग हियर शी. शी स्टडीज इन क्लास 3. हर फादर इज अ डॉक्टर. द टीचर्स लाइक हर. बार बार सीता यूज नहीं करना पड़े इसलिए हमने यहाँ पर शी एंड हर यूज किया है. सो दिस वर्ड्स शी एंड हर आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस. अंडरस्टूड. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. ये जो नाउन है यहाँ पर सीता उसकी जगह पर जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन. बॉयज के लिए कौन सी प्रोनाउन है ही हिम एंड हिज. अंडरस्टूड. यहाँ पर आपको एक्सरसाइज होगी अंडरलाइन द प्रोनाउंस या रिकग्नाइज द प्रोनाउंस. आपको ऐसे सेंटेंस में से प्रोनाउंस पहचानना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस. वी पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स व्हाट. प्रोनाउंस हमने यहाँ पर देख लिया बेसिक बॉयज एंड गर्ल्स के लिए. नाउ पर्सनल प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर पर्सन. जो इंसानों के लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन. नेम पे से हमें पता चलेगा पर्सनल प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर दी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज आई. ये जो प्रोनाउन है आई मतलब कि मैं. तो मैं खुद के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज हम करते हैं. आई के लिए पर्सनल प्रोनाउन माई मी एंड माई. नाउ हम माई कब यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसे माई स्कूल्स नेम इज सिल्वर बेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया माय. अब मी कब यूज करूंगी. दिस बुक बिलोंग्स टू मी मतलब ये बुक मेरी है. एंड देन ये माइंड. माइंड कब यूज करते हैं जब आपको पोजेशन बताना है जब आपको अपना हक दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइंड. आप बोलते हैं दिस बुक इज माइंड तो हम यूज करेंगे माइंड. नेक्स्ट इज वी. वी मतलब हम सब. तो वी के लिए हम कौन से पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं ये सब आपको याद रखने हैं. वी के लिए कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है. दे आर अस एंड आर्स. यहाँ पर फिर से आर्स क्या दिखाता है. इट शोज पोजेशन. पोजेशन दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस बुक्स आर आर्स मतलब ये हमारी बुक्स है. तो यहाँ पर भी आर्स यहाँ पर पोजेशन दिखाएगा. नेक्स्ट इज यू. यू के लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउन है. इट इज योर एंड योर्स. दिस बुक इज योर्स. यहाँ पर ये भी पोजेशन दिखाएगा. दिस बुक इज योर्स ये आपकी बुक है. नेक्स्ट ही विच इज यूज फॉर अ बॉय. ही के लिए कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है. हिज एंड हिम. हिज एंड हिम. नेक्स्ट गर्ल के लिए शी. तो शी के लिए पर्सनल प्रोनाउन है हर एंड हर्स. नेक्स्ट दे. दे मतलब जो आपसे दूर खड़े हैं. दे आपको पॉइंट आउट करने आपसे जैसे कि ग्रुप है बॉयज का या गर्ल्स का तो उसके लिए क्या यूज करते हैं. दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. तो कौन है वो बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं. सो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लूरल है ये तो उसके लिए यूज करेंगे दे. अभी दे के लिए पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से है. सो दे देयर हियर एंड हियर्स.
अगेन क्या सब कहां पर यूज करेंगे, इट इज पोजेसिव प्रोनाउन. तो हम जब पोजेशन दिखा रहे हैं आपको, दिस बुक्स आर देयर्स, उनकी बुक्स है ये. सो अगेन दिस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट लास्ट पर इट. अब इट हम किसके लिए यूज करते हैं, इट प्रोनाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स है एंड ऑल एनिमल्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन इट. ही हिज हिम फॉर बॉयज, शी हर हर्स फॉर गर्ल्स एंड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है इट. नाउ वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज, ये जो भी प्रोनाउन्स है पोजेशन दिखाते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिम, हर्स, देयर्स एंड इट्स, इसमें एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं आएगा. जैसे यहाँ पर आर्स है जो आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हो एपोस्ट्रोफी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ना आर्स को ऐसे लिखते हैं, बट हियर इन द प्रोनाउन यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी कॉमा है वो नहीं आएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइन, आर्स, योर्स, हिम, हर्स, देयर्स एंड इट्स. ओके, तो ये सारे जो पर्सनल प्रोनाउन्स है ये आपको हाइड करने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा, ताकि जब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी फिल द ब्लैंक्स विद द पर्सनल प्रोनाउन, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही चुन के आपको यहाँ पर लिखना है. नाउ लेट अस सॉल्व अवर क्वेश्चन वन, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट वर्ड. यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्या करोगे, यू विल रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड देन आपको जो ऑप्शन राइट है वो यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, माय पेरेंट्स लव डैश. यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मी और माय. अब कैसे चॉइस करोगे कौन सा आंसर राइट है, माय पेरेंट्स लव मी या माय पेरेंट्स लव माय. तो सेंटेंस अगर आप ऐसे लिखोगे माय पेरेंट्स लव माय, तो वो तो रॉन्ग ही होगा सेंटेंस फॉर्मेशन. क्यू, बिकॉज ये कैसे आएगा, माय पेरेंट्स लव मी, ये जो माय है वो पोजिशन दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल इज वेरी बिग, मेरी स्कूल, सो यहाँ पर मेरी है, यहाँ पर आप हो, तो यहाँ का आंसर क्या होगा, माय पेरेंट्स लव मी, मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पर आएगा मी. आपको कैसे भी इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग समझ रहे हैं, माय पेरेंट्स लव मी और माय पेरेंट्स लव माय, कौन सा होगा राइट आंसर, इट विल बी मी, माय पेरेंट्स लव मी, मी और माय में डिफरेंस है. नेक्स्ट नंबर टू, वी आर डूइंग डैश वर्क, वी मतलब हम सब, वी आर डूइंग डैश वर्क, तो कौन सा यूज करोगे आप, अस या आर. तो यहाँ पर है वी आर डूइंग अस वर्क या वी आर डूइंग आर वर्क, कौन सा आएगा, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो अस कब हम यूज करते हैं, वो वी के लिए यूज करते हैं, लेकिन तब सेंटेंस अलग होता है. वी आर डूइंग डैश वर्क, हम किसका काम कर रहे हैं, हम सब किसका काम कर रहे हैं, हमारा खुद का. सो वी आर डूइंग आर वर्क, यहाँ पर आंसर आएगा आर. ऐसे नहीं होगा यहाँ पर वी आर डूइंग अस वर्क, नो इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट थर्ड, द टीचर इज टीचिंग डैश. आपको क्या करना है, सेंटेंस दो तीन बार रीड करना है, ऑप्शन देखने और बाद में सोचना है क्या आंसर आएगा. द टीचर इज टीचिंग वी और द टीचर इज टीचिंग अस, कौन सा आएगा, वी मतलब हम सब, अस भी मतलब हम सब, तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, द टीचर इज टीचिंग अस. कभी ऐसा सेंटेंस सुना है द टीचर इज टीचिंग वी, नो, तो यहाँ पर होगा आंसर द टीचर इज टीचिंग अस. क्लियर. नेक्स्ट नंबर फोर, आई शैल हेल्प डैश ब्रदर. नो, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, यू योर, यू मतलब कि आप और योर मतलब कि आपका, तो कौन सा यूज करोगे आप, आई शैल हेल्प यू ब्रदर या आई शैल हेल्प योर ब्रदर, कौन सा होगा, आई शैल हेल्प योर ब्रदर. यू मतलब कि आप सामने वाला इंसान और योर मतलब कि आपका, तो आई शैल हेल्प योर ब्रदर. ओके, नेक्स्ट द लास्ट वन, आई एम राइटिंग डैश अ लेटर. सेंटेंस समझना है, आई मतलब कि मैं, आई एम राइटिंग डैश लेटर, आई एम राइटिंग हिज लेटर आएगा कि आई एम राइटिंग हिम लेटर, यहाँ पर कौन सा आएगा, हिम क्या दिखाता है और हिज हम कब यूज करते हैं, आई एम राइटिंग हिज लेटर, हिज और हिम हम किसके लिए यूज करते हैं, बोथ आर फॉर बॉयज, मेल पर्सन के लिए,
तो आप जब यूज करोगे सेंटेंस आई एम राइटिंग दिस लेटर, इस तो पोजिशन दिखाता है, दिस इज दिस बुक, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई एम राइटिंग हिम अ लेटर, उसे मैं लेटर लिख रहा हूँ, यहाँ पर होगा आंसर हिम, ही इज नहीं होगा। ओके नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, नाउ वी विल लुक एट एज सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद हिम हर इट और देम। यहाँ पर आपको क्या करना है, चार प्रोनाउंस दिए गए और चार सेंटेंस है, आपको फिलअप करना है। नाउ सबसे पहले ये देखना है कौन से प्रोनाउन हम किसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिम, हिम हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर बॉय, हर फॉर गर्ल, इट इट किसके लिए यूज करते हैं, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स, एंड देम फॉर अ मोर देन वन, फॉर अ ग्रुप। So, look at the first sentence. This is a bag. There are books in that. आपको पहले इसका मीनिंग समझना है. This is a bag. मतलब क्या इसका मीनिंग क्या है? This is a bag. Means ये बैग है. This is a bag. ये बैग है. There are books in that. Books कहाँ पर है? There are books in that. तो किसके बारे में सेंटेंस बोला गया है? This is a bag. ये बैग है. और there are books in that. Books किसके अंदर है? तो ऑब्वियसली बुक्स कहाँ पर है? बैग के अंदर. एंड बैग इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट। क्लियर? फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज अ बैग, इसका मतलब ये है, ये मेरा या ये बैग है। देयर आर बुक्स इन दैट, बुक्स कहाँ पर है? बैग में, तो बैग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? नॉन लिविंग है तो इट। नेक्स्ट नंबर टू, डेविड इज हियर, डेविड कौन है? एक लड़का, तो डेविड इज हियर मीन्स डेविड यहाँ पर है, डेविड इज हियर, डेविड यहाँ है। आई एम प्लेइंग विद डैश, आई एम प्लेइंग मीन्स मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, तो आप किसके साथ खेल रहे हो? डेविड के साथ, और डेविड कौन है? लड़का, और लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर? हिम। सो यहाँ पर होगा आंसर आई एम प्लेइंग विद हिम, क्यों? क्योंकि डेविड कौन है? लड़का। तो यहाँ पर पूछा, यहाँ पर बताया गया कि आई एम प्लेइंग विथ, मैं किसके साथ खेल रहा हूँ? आप मैं किसके साथ खेल रहा हूँ? डेविड के साथ, और डेविड कौन है? बॉय। सो यहाँ पर मैंने लिखा हिम, आई एम प्लेइंग विथ हिम, दैट मीन्स आई एम प्लेइंग विथ डेविड। नेक्स्ट थर्ड वन, मिशा इज माई फ्रेंड, मिशा इज माई फ्रेंड, यहाँ पर देखो मिशा कौन है? एक लड़की, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मिशा इज माई फ्रेंड, मिशा मेरी फ्रेंड है। I am writing dash a letter. मैं उसे लेटर लिख रही हूँ। I am writing dash a letter. तो आप किसको लेटर लिख रहे हो? मिशा को, और मिशा गर्ल है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन होगा? हर, क्योंकि गर्ल्स के लिए कौन सा प्रोनाउन है? हर। मिशा इज माई फ्रेंड, मिशा मेरी फ्रेंड है, और मैं आई मीन्स मैं, आई मैं उसे लेटर लिख रही हूँ, तो मिशा के लिए हमने यूज किया प्रोनाउन हर। द लास्ट वन, चिल्ड्रेन आर इन द रूम, आप पहले ये सेंटेंस का मीनिंग समझो, चिल्ड्रेन आर इन द रूम मीन्स चिल्ड्रेन मीन्स वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स, तो चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ पर है? रूम में है, बच्चे कहाँ पर है? रूम में। मदर इज गिविंग डैश बिस्किट्स, मदर क्या कर रही है? मदर इज गिविंग डैश बिस्किट्स, तो मदर किसको बिस्किट्स दे रही है? इन चिल्ड्रेन को, इन बच्चों को, और चिल्ड्रेन मीन्स मोर देन वन बॉय और गर्ल, जब एक से ज्यादा बॉय और गर्ल होते हैं, दो या तीन चार, तो उसको हम कहते हैं चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया? प्लूरल, तो प्लूरल नाम के लिए हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर? देन, मदर इज गिविंग देन बिस्किट्स। अंडरस्टूड? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हिम हम यूज करते हैं बॉयज के लिए, हर फॉर गर्ल्स, इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, एंड देन मीन्स देन इज अ प्लूरल प्रोनाउन। तो आपको क्या करना है, इस तरह के सेंटेंसेस हो गए था, आपको सेंटेंस अच्छी तरह से दो तीन बार रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर होगा। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय पार्ट वन, आई विल सेंड यू द पीडीएफ एंड यू विल कॉपी दैट इन योर इंग्लिश टू नोटबुक। थैंक यू।